हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज से अपनी पाइथन सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम्स को रन करके देखेंगे, इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हम बेसिक लेवल प्रोग्राम से एडवांस लेवल प्रोग्राम्स तक जाएंगे, चाहे वो सॉर्टिंग हो, डेटा स्ट्रक्चर्स हो, या बेसिक कोई भी प्रोग्राम्स हो, सब करेंगे। तो हम आज से अपने इस फर्स्ट वीडियो में हम अपना बेसिक प्रोग्राम लेकर चलेंगे, जो कि होगा इवन ऑड प्रोग्राम। मीन बेसिकली हम इसमें ये चेक करेंगे कि कोई भी नंबर है वो इवन है या ऑड है। हम इसमें यूज़र से इनपुट लेंगे नंबर, एंड इवन ऑड के लिए बेसिक लॉजिक क्या होता है, मीन्स अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम कहते हैं कि हमारा नंबर इवन है, 2 से डिविजिबल नहीं होता तो हम कहते हैं कि हमारा नंबर ऑड है। तो हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लेंगे नम इक्वल टू इंट इनपुट, हमने कहा एंटर एनी नंबर। हम यहाँ पे लाइन ब्रेक लगाएंगे जिससे कि हमारे नेक्स्ट लाइन में आए। हमने यहाँ पे इंट क्यों लिखा है, क्योंकि जब बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन क्या करता है, हम कुछ भी यूज़र से इनपुट लेते हैं तो वो स्ट्रिंग में लेता है, तो हमें उसे इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब हम अपनी कंडीशन चेक करने के लिए इवन ऑड की इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे। हमने लिखा इफ़ नम परसेंटाइल टू इक्वल टू 0, इफ़ है तो कॉलन से एंड होगा, और फिर हम लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट में हम एफ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। एफ स्ट्रिंग से क्या होता है, हमें किसी भी जब हम प्रिंट करते हैं तो जो वेरिएबल का नेम होता है उसे हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, और हमें उसके बाद कोई कॉमा या प्लस या डॉट कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बाद जो हमें एज इट इज़ प्रिंट कराना होता है हम वो लिख देते हैं। हमने लिखा नम इज़ इवन नंबर, नम को हमने कर्ली ब्रेसेस में रखा है। हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, सॉरी, हम यहाँ पर ये करने के बाद हम जैसे ही नेक्स्ट लाइन में आएंगे हम लिखेंगे एल्स। एल्स में हम लिखेंगे प्रिंट एफ स्ट्रिंग, नम इज और नंबर। यहाँ पे हमने क्या करा, इसमें लिखा नम परसेंटाइल टू इक्वल टू 0 इवन वरना ऑड। अब जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे एंटर एनी नंबर, हमने लाइन ब्रेक लगाया था इसलिए नेक्स्ट लाइन में आया। हमने जैसे ही दिया 9, 9 को हम देंगे तो वो कह देगा 9 इज ऑड नंबर। और यहाँ पे फिर जब हम इसे रन करेंगे, लेट से हम कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, लेट से 2 5 4 8 0 2 6, कुछ ऐसा नंबर लिया, तो ये इसको कह देगा ये इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।